आज जो होने वाली है जयपुर में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर ये बैठक होने वाली है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार होगा और सहमति के बाद ये केंद्रीय नेतृत्व को नाम यहाँ पर भेजे जाएंगे और इसी नाम के चयन को लेकर ये बैठक होने वाली बीजेपी कोर कमेटी की, जो कि एक पैनल तैयार करेगा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों का, और सहमति के बाद केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा नाम। तो राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री वो लगातार बैठक कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार उपचुनाव से पहले आप देख रहे होंगे दौरे कर रहे हैं, शहर शहर जाकर बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी कोर कमेटी की, लेकिन इस बैठक में होगा प्रत्याशियों के चयन। प्रत्याशियों के चयन को लेकर ही महत्वपूर्ण बैठक जो है बुलाई जानी है और उसके बाद पैनल दरअसल तैयार होगा प्रत्याशियों के नामों का और ये जो नाम है वो भेजे जाएंगे कोर कमेटी की सहमति से केंद्रीय नेतृत्व को। मुख्यमंत्री इस बैठक में होंगे मौजूद, प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल, वो आपको नजर आएंगे इस बैठक में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश सह प्रभारी हैं विजय राहटकर और पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे, सीपी जोशी हैं, मंत्री हैं शेखावत, उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो राजस्थान में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद होंगे, जिसमें प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार होगा और ये जो नाम है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। तो उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। जयपुर में आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है बीजेपी कोर कमेटी की। तो प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जाएगा और कोर कमेटी की सहमति के बाद ये पैनल जो है पैनल प्रत्याशियों के नाम का पैनल वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। हालांकि पिछले दिनों आपने देखा कि प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर ने सभी उपचुनावों वाली सीटों पर फीडबैक लिया था। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू आनंद जुड़ चुके हैं, लिए चलते उनके पास। सोमू, ये बैठक जो होने वाली है बीजेपी कोर कमेटी की, वक्त क्या बताया जा रहा है जब ये बैठक बुलाई जाएगी और उपचुनाव से पहले, क्योंकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, उससे पहले सियासी हलचल बीजेपी में होने वाली है, कोर कमेटी की बैठक आज होने वाली है, इसी को लेकर? बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी ही देर के बाद यह बैठक शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, दोनों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, साथ ही प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, सीपी जोशी, ये सब इस कोर कमेटी की बैठक में अभी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उपचुनाव प्रदेश में होने वाले हैं, 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे और इसको लेकर के तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। और आज जो कोर कमेटी की बैठक होगी इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से नामों का पैनल जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के लिए भेजेगा और केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम रूप से जो है उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएगी। इसीलिए आज की बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो जिन 7 सीटों पर उपचुनाव है उनमें से 1 सीट सलूंबर की जो है वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, बाकी जो है वह दूसरी पार्टियों के हाथ में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात की कोशिश में है कि इसमें से जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक जीत पाएंगी वह उसकी पूरी टैली में एड ऑन होगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, काफी लंबे समय से चुनावी मोड में है, जबरदस्त तैयारी की कोशिश हो रही है, मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाल रहे हैं। इसलिए आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से
उन उम्मीदवारों के भाग्य का भी फैसला होगा जो कि बहुत लंबे समय से इन उपचुनाव में अपनी दावेदारी जता रहे थे, टकटकी लगाए हुए हैं कि उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, इस बात की कोशिश में जुटे हैं, जुगत में जुटे हैं। उन सबके लिए आज का दिन और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी यह बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में कौन कौन मौजूद रहने वाला है? देखिए, बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, उनके साथ साथ जो प्रदेश प्रभारी है रमन दास अग्रवाल, वे मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वे रहेंगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो सीपी जोशी हैं, वे रहेंगे। और तमाम इस तरह के जो बड़े नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्य हैं, वे सब लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। और उनकी ही मौजूदगी में उम्मीदवारों के पैनल के नाम पर डिस्कशन होगा और फिर पैनल का नाम जो है वो तय करके सभी 7 सीटों के लिए वह केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू आनंद, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।